मतलब जो नियर बाई प्लेसेस है यहाँ आगे मार्केट में ज़्यादा गर्मी है। रोड तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं पर कम ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ बाइक का प्रेशर नहीं बन रहा, पावर नहीं पिक कर रही। तो मैंने स्टार्ट ही किया, करीबन 10 किलोमीटर हुए होंगे, तो जैसे ही मेन हाइट में पहुंचूंगा तो पता नहीं क्या हाल होंगे। इस रोड में जो सबसे ज्यादा डर लग रही वो है ट्रैफिक यहाँ का, क्योंकि इन लोगों को आदत होती है इस रोड पे रोड चलाने की, काफ़ी स्पीड में निकल रहे हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा भी अपनी साइड से चूके तो सीधे ही गाड़ी में जाके लगेंगे। बहुत कंपल्सरी है यहाँ पे देख के चलाना। बाइक बाइक बुलेट्स जो भी रहते हैं इनकी सेटिंग करवानी पड़ती है मैकेनिक के पास में। लो हाइट के लिए बट मुझे कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा। मैंने करवाई तो है बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है चार चार बंदे बिठा के रखे हुए हैं। मार्केट में ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने एक जैकेट और टी शर्ट डाल के रखी हुई है, पर अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूँ ठंड लगने लग रही है। देखूँगा जहाँ तक सहन होगी वहाँ तक ऐसे ही चलूँगा, बाकी आगे नहीं तो फिर और कपड़े डालने पड़ेंगे मुझे। दिक्कत यहाँ पे ट्रैफिक की फेस करनी पड़ रही है, यही दिक्कत रोहतांग के पास में भी रहती है। रोहतांग में भी वही होता है पर वहाँ थोड़ा रोड खुला
खुला है यहाँ से। यहाँ के ड्राइवर्स को आदत होती है अपने रोड की, तो पूरी काफ़ी अच्छी स्पीड में चले होते हैं। गलती करने का मतलब है जान से हाथ धोना। थोड़ा सा भी बाहर लिया तो नीचे, थोड़ा सा अंदर लिया तो गाड़ी वाले उठा देगा। अगर आप धीरे चलेंगे तब तो आप पहुंच ही गए, क्योंकि पहले एक तो बाइक की स्पीड नहीं है, काम पूरा। अब थोड़ा सा ये है कि मेरी साइड ऊपर वाली आ गई है, तो मैं थोड़ा सा तेज रख सकता हूँ, पर कटिंग के मामले में यही दिक्कत रहेगी मेरे को बार बार, जैसे कि अभी अंदर से चला हुआ है। अभी ठंड लगने